आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम ने भारत बंद को लेकर अपनी कमर कस ली है। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए आरपीएफ जीआरपी पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने अपनी टीम को लेकर आगरा के सभी स्टेशनों का दौरा किया। भारत बंद को लेकर आगरा शहर में पुलिस विशेष सतर्कता बरतती हुई नजर आई। इसी संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जीआरपी पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि हर तरीके से हम मुस्तैद हैं, हम शहर में किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने देंगे। इसी क्रम में आरपीएफ कमांडेंट प्रकाश पांडे ने बताया कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल अभी तक कोई भी अनहोनी होने की जानकारी नहीं मिली है। अजीमाबाद एक्सप्रेस के यात्रियों ने बताया कि वे सुरक्षित सफर कर रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरह से हमारी सुरक्षा में तैनात है। देखिए, जितने भी हमारे आगरा अनुभाग के जितने भी स्टेशन हैं, सभी जगहों पर पर्याप्त जो है फोर्स लगाई गई है। ये फोर्स लगभग 3 दिनों से लगातार जो है वो लगी हुई है और सबको प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है। जहाँ पे अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत है वहाँ पे हमने अतिरिक्त फोर्स भी लगाया है। इसके अलावा आरपीएफ के साथ भी कोऑर्डिनेट करके उनकी भी फोर्स जो है अलग से ड्यूटी चार्ट लगाई गई है और उसके आधार पे सब कुछ अकुशल तरीके से जो है कार्य जो है संपादित कराया जा रहा है। सर, अभी जो ट्रेनें वगैरह भी इस टाइप की सुबह से कोई इस टाइप कोई एक्सीडेंट वगैरह घटना नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेनें आ रही हैं वो प्रॉपर जो है उनमें ऑलरेडी स्क्वाड है। फिर यहाँ पे जो फोर्स लगाई गई है उनको भी वो भी अतिरिक्त अटेंशन दे करके उन ट्रेनों को निकाल रहे हैं और यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं उनके साथ भी संवाद स्थापित किया गया है और इसके माध्यम से सभी शांतिपूर्ण तरीके से संचालन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। भारत बंद को देखते हुए हमने आगरा डिवीजन के हर स्टेशन पर अभी स्टाफ डिप्लॉय कर रखा हुआ है। हमारे बड़े स्टेशनों में तो स्पेशल टीमें हैं, QRT जिसे कहा जाता है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट हो तो वो क्विक रिस्पॉन्स कर सकें। और इसके साथ ही हर छोटे से छोटे स्टेशन को भी कवर किया गया है। लगभग 2 से 3 स्टाफ उन स्टेशनों में भी, छोटे स्टेशनों में। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहता है वो है कि लेवल क्रॉसिंग गेट्स, क्योंकि हाईवे से वो कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ पर भीड़ आने की संभावना रहती है, उसको देखते हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं उन सभी को कवर किया गया है। हमारी इंटेलिजेंस यूनिट अलग से सिटी में घूम रही है, वो काम कर रही है, वहाँ से जो भी सूचना मिलती है उस हिसाब से हम फोर्स को मोबिलाइज करते हैं और जीआरपी और सिविल पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में सुरक्षा बंदोबस्त को मजबूत किया।